दोस्तों, जब आपको कल पता चला होगा कि श्रेया लिंका इंडिया की फर्स्ट केपॉप स्टार बन चुकी हैं, तो आपके माइंड में सबसे पहले ये बात आई होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया की तो फर्स्ट केपॉप स्टार प्रियंका मजूमदार हैं। इवन इस टॉपिक को लेके मुझे रिसेंट वीडियोस पर काफी सारे कमेंट्स भी आए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रियंका मजूमदार इंडिया की फर्स्ट केपॉप स्टार नहीं, बल्कि वो इंडिया की फर्स्ट जेड पॉप स्टार हैं। दोस्तों, केपॉप और जेड पॉप दोनों आपस में अलग होते हैं, मगर दोनों में सबसे पहले केपॉप आया था, फिर उसके कुछ टाइम बाद केपॉप से इंस्पायर होके जेड पॉप कैटेगरी को बनाया गया और काफी सारे केपॉप फैंस प्रियंका को इंडिया का फर्स्ट केपॉप स्टार समझ लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दरअसल जो भी जेड पॉप मेंबर होते हैं उनमें से कोई भी कोरियन नहीं होता, और अगर आपने उनके सॉन्ग्स ध्यान से सुने होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनके सभी सॉन्ग्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं और जेड पॉप के ऑडिशन ओनली इंडिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में होते हैं, जबकि केपॉप के ऑडिशन ग्लोबली ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता था कि प्रियंका मजूमदार जेड पॉप मेंबर है? तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना।